सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी की चर्चा करेंगे, जिनकी 150वीं जयंती अब शुरू होने वाली है और बड़े पैमाने पे सरकार भी उसकी तैयारी में है। गांधी सचमुच के जादूगर थे और इनकी जादूगरी लाइफ के हर चीज़ में दिखाई देती है। लंबे आज़ादी की लड़ाई में, दक्षिण अफ्रीका के प्रयोगों में उनके, मुझे उनकी जादूगरी के कई किस्से और बड़े दिलचस्प किस्से तब दिखाई पड़े जब चंपारण पे मैं काम कर रहा था, चंपारण सत्याग्रह पे काम कर रहा था। शुरू में मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि गांधी, जिनको न भोजपुरी आती थी न हिंदी ठीक से बोलनी आती थी, जो चंपारण क्या बिहार भी नहीं जानते थे, बिहार भी कभी नहीं गए थे, एक भी आदमी को नहीं जानते थे, एक भी आदमी को उन्होंने बताया नहीं था कि चंपारण आ रहे हैं, वो उस चंपारण में पहुँचे। चंपारण के भी लोग उनको बस नाम से कुछ लोग जानते होंगे, जिसमें राजकुमार शुक्ल थे, लेकिन उसके अलावा उनको कोई जानता नहीं था। तो गांधी किस तरह से चंपारण पहुँचे और किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत को मजबूर किया कि वो जो जो चाहें वो सब चीज़ें पूरी कर दें। कुछ चीज़ें मैं पढ़ता रहा, मेरी समझ में नहीं आई, कुछ किस्से ज़रूर थे, जैसे उन्होंने कोर्ट में अपने जिला से बाहर होने के ऑर्डर को चुनौती दी और कहा कि मैं नागरिक होने के चलते तो आपका आदेश मानने को सही मानता हूँ, लेकिन मेरा अंतर्मन ये गवाही नहीं दे रहा है कि अपने मुल्क में कहीं जाने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए मुझे किसी परमिट की ज़रूरत हो, किसी के आदेश की ज़रूरत हो, तो मैं ये आदेश नहीं मानूंगा और जो भी सज़ा होगी वो भुगतने को तैयार हूँ। तो ये एक अपने उदाहरण से उन्होंने बहादुरी दिखाई थी, इतना किस्सा तो दुनिया जानती थी, लेकिन बाकी चंपारण उन पर कैसे दीवाना हो गया, बाकी बिहार उन पर कैसे दीवाना हो गया और सब आंदोलन के लिए तैयार हो गए, सब कटने मरने जेल जाने के लिए तैयार हो गए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। कई चीज़ें छोटी छोटी समझ में आनी शुरू हुई तो फिर लगा कि गांधी ने सचमुच जादूगरी की और उस जादूगरी का ये हिस्सा था कि गोरी चमड़ी का डर हटाना है, अंग्रेज़ी हुकूमत का डर हटाना है, साम्राज्यवाद का डर हटाना है। और ये बहुत छोटे छोटे प्रयोग उन्होंने शुरू किए। जब उनके जेल जाने की स्थिति थी तो उन्होंने अपने जो सहयोगी गए थे उनसे पूछा कि मैं जेल चला गया तो आप लोग क्या करेंगे, तो उनका जवाब सीधा सा था कि हम अपनी वकालत में वापस जाएंगे, हम क्यों आपके साथ जेल जाएंगे। तो गांधी बड़े थोड़े उस समय उदास हुए। ये दो लोग जो उनके साथ गए थे, धरनी प्रसाद और रामनवमी प्रसाद, ये दोनों लोगों को लगा कि गुजरात से आया आदमी, दक्षिण अफ्रीका से आया, इंग्लैंड पढ़ा हुआ आदमी हमारे लिए जेल जाने को तैयार है और हम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम अपनी वकालत में वापस जाएंगे। अगले दिन सुबह उन्होंने कहा कि आप जेल जाएंगे तो हम लोग भी जेल जाएंगे। तो ये बात तो थोड़ी थी और ये चर्चा में आने लगी कि गांधी के इर्द गिर्द के लोग इस तरह से तैयार हो रहे हैं। फिर इसी में चार्ल्स एंड्रयूज आए, जब गांधी चंपारण में रुक गए तो चार्ल्स एंड्रयूज उनसे मिलने आए और चार्ल्स एंड्रयूज आए तो उनको अंग्रेज़ हुकूमत के लोग उनके स्वागत में थे, एसपी से मिलने गए, कलेक्टर ने उनको मिलने के लिए बुलाया। तो उनकी भी इच्छा थी कि चंपारण का प्रयोग नया है, मैं यहाँ रुकूं। और चंपारण में जो गांधी के सहयोगी थे, राजन बाबू जैसे लोग, ये सब लोग भी चाहते थे कि एंड्रयूज को यहाँ रोका जाए, उनके होने से काम में सुविधा होगी। एंड्रयूज को फिजी जाना था, गिरमिटिया मजदूरों के की इंक्वायरी, एक अंतर्राष्ट्रीय इंक्वायरी कमेटी के वो मेंबर थे, तो उन्होंने गांधी से सिफारिश कराई। गांधी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, एंड्रयूज को जाने दो, उसका काम बड़ा है, वो अपना काम करेगा, और तुम लोग उसको यहाँ इसलिए रोकना चाहते हो कि वो गोरी चमड़ी वाला है और तुम्हारे मन में गोरी चमड़ी का डर है, तो तुमको लगता है कि गोरी चमड़ी वाला रहेगा तो यहाँ तुम्हारा काम आसानी से होगा, और मैं इसीलिए उसको यहाँ रहने नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे मन से गोरी चमड़ी का की ताकत का हिसाब हमको ख़त्म करना है। तो उन्होंने एंड्रयूज को फिजी भेज दिया उसी समय, फिर उनको वहाँ रहने नहीं दिया। लेकिन जो कहानी सबसे दिलचस्प है, जो मैं सुनाना चाहता हूँ, और जो प्रयोग उन्होंने लोगों के मन से अंग्रेज़ी हुकूमत का खौफ ख़त्म करने के लिए किया, वो प्रयोग ये था कि जब उनको कोर्ट ने बरी कर दिया और कहा कि आप अपनी इंक्वायरी करिए और शासन भी आपको सहयोग करेगा, तो कलेक्टर ने उनसे, मोरसेट कलेक्टर थे, उन्होंने उनको बुला के कहा कि हम तो चाहते हैं आपको सहयोग करना, आप बताइए आपको किस किस्म का सहयोग चाहिए। गांधी ने कहा मैं तो लिख के आपसे सहयोग मांग रहा था, आप ही हमको परमिट नहीं दे रहे थे।
लेकिन अब यह है कि आप अगर सहयोग करना चाहते हैं तो मुझे कुछ सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ ज़मीन पे बैठना पड़ता है और सामने वाले को भी जो मुझसे बात करने आता है उसको भी ज़मीन पे बैठाना पड़ता है, वो असुविधा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक कुर्सी, दो कुर्सी और एक टेबल आप दीजिए कि मैं जिसकी गवाही लूँगा, जिससे पूछूँगा कि क्या हुआ, उसको सामने कुर्सी पर बैठाऊँगा, खुद कुर्सी पर बैठा रहूँगा। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि दो कुर्सी आपको नहीं देंगे, हम आपको तीन कुर्सी देंगे, क्योंकि कभी हमारा भी मन हुआ तो आके वहाँ बैठेंगे और देखेंगे कि आप क्या करते हैं, या कोई और हमारा आएगा तो उसको भी हम अपनी जगह बैठाएंगे। तो इसलिए आप बैठने की तीन कुर्सी आपको दूंगा, मैं दो नहीं दूंगा। ये कह के उन्होंने एक बैलगाड़ी पे एक टेबल और तीन कुर्सियाँ लदवा के गांधी जी के यहाँ भिजवा दी। वो बैलगाड़ी गांधी जी बहुत दिन तक अपने साथ रखे रहे, और जहाँ कहीं उनकी इंक्वायरी चलती थी रैयतों की गवाही और किसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, उन सब जगहों पे वो बैलगाड़ी जाके सामने खड़ी कर दी जाती थी, जिस पे तीन चेयर और एक टेबल, और जो आता था उसको ये बताया जाता था कि यही अंग्रेजी राज का सहयोग है। तो मुझे लगता है कि शासन, जिसका खौफ लाल टोपी देख के लोग डर जाते थे, उसका इससे ज़्यादा बढ़िया मजाक कुछ नहीं उड़ाया जा सकता कि वो इस किस्म का सहयोग करे और इस किस्म का सहयोग माना जाए, और वो सहयोग लेके गांधी जी इसी तरह दिखाते घूमे। और ये जादू हुआ कि सचमुच चंपारण के लोग निर्भय हुए, मुल्क के लोग निर्भय हुए, और फिर क्या क्या शुरुआत हुई ये सब अलग कहानी है। लेकिन ये जादू लोगों के अंदर हुआ, तो अहिंसक लड़ाई अगर लड़नी है तो फिर लोगों को निर्भय बनाना सबसे बड़ा हथियार है, और गांधी जी ने इसी किस्म के छोटे 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 प्रयोगों से लोगों को निर्भय बनाया। खुद निर्भय होके आए थे, उनकी निर्भयता के किस्से और उनके प्रयोग दक्षिण अफ्रीका से शुरू हो गए थे, लेकिन हिंदुस्तान में पहला प्रयोग उन्होंने शुरू किया, और ऐसी जगह शुरू किया जहां उनको कोई नहीं जानता था, जहां जिसको वो कुछ भी नहीं जानते थे, नील नहीं जानते थे, बोली नहीं जानते थे, स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, जिसमें लैंड के सारे रेवेन्यू के दस्तावेज थे, कैथी लिपि थी जो उनको पढ़ने नहीं आती थी, इसके बावजूद उन्होंने, अगर हर चंपारण कलेक्टर ने लिखा है, एसडीओ ने, नया एसडीओ था काफ़ी अच्छा, उसने लिखा है एक हफ्ते बाद गांधी की रिपोर्ट में कि आज हर गांव में और हर घर में गांधी की चर्चा हो रही है। जो गांधी पटना आए वो अकेले आए थे, मुजफ्फरपुर आए तो राजकुमार शुक्ल उनके साथ थे, वहाँ कृपलानी जी के 10-5 शिष्य आए उनको लेने। जब वो मोतिहारी पहुँचे हैं 15 तारीख को, 10 को पटना आए थे, 15 को मोतिहारी पहुँचे थे, 15 अप्रैल 17 को, उस दिन वहाँ करीब 200 लोग थे, लेकिन जब 22 को एक हफ्ते बाद वो बेतिया आए तो करीब 10,000 लोग उनकी अगवानी के लिए वहाँ खड़े थे। तो ये जादू गांधी ने किया, और इस जादू से अंग्रेज़ी हुकूमत डरी, और डर के उसने चंपारण में भी बदलाव किए, और फिर गांधी जो जो करते रहे वो काम उनका आसान हो गया। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।